कि सूडान संकट में फंसा जींद का एक परिवार 2 साल की बेटी के साथ सूडान संकट में फंसा है ये परिवार। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, सूडान संकट में जींद का एक परिवार फंसा है, 2 साल की बेटी के साथ सूडान संकट में फंसा है ये परिवार। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने की अपील यहां पर की जा रही है। तो घर के पास लगातार विस्फोट हो रहे हैं। तो संकट में फंसा है जींद का एक परिवार, 2 साल की बेटी के साथ सूडान संकट में फंसा है ये परिवार। और परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है। सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने की अपील यहां पर की गई है। तो घर के बाहर लगातार विस्फोट हो रहे हैं और इनके साथ करीब 2 साल की बेटी भी है जो फंसी हुई है वहां पर। दरअसल परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है और मदद की गुहार यहां पर लगाई गई है। सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने की अपील है वो यहां पर की गई है। तो घर के पास लगातार विस्फोट हो रहे हैं। जींद से मेरे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, ये जो जींद का एक परिवार सूडान में फंसा हुआ है, अब फिलहाल क्या लग रहा है, क्योंकि भारतीय जो फंसे हुए हैं परिजनों ने सरकार से भी गुहार लगाई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साधना, मैं आपको बता दूं कि एक परिवार है जिसकी 2 साल की बेटी है और उसकी जो पत्नी है वो वहां पर जो है सूडान में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर जो जींद में इनका परिवार रह रहा है, उन्होंने जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो है गुहार लगाई है सुरक्षा की। ये जो परिवार है साधना, मैं आपको बता दूं कि खार्तूम में फंसा हुआ है। खार्तूम एक जगह है सूडान की, वहां पर ये परिवार फंसा हुआ है और वहां से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर जो है एक बॉर्डर लगता है, समुद्र का इलाका है जहां से इंडिया वापिस आया जा सकता है। तो उस परिवार ने ये गुहार लगाई है कि हमें समुद्र के रास्ते जो है यहाँ से निकाला जा सकता है। कल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी जो सूडान में भारतीय फंसे हुए हैं उनको लेकर। और तकरीबन जो है भारत की बात करें तो 4000 परिवार ऐसे हैं जो सूडान में फंसे हुए हैं। जी सर, राजीव बात की जाए तो क्या परिजनों की बातचीत हो पाई है, जो परिवार जींद का सूडान में फंसा हुआ है, क्या उनसे कोई भी बात हुई हो या फिर उनकी स्थिति का कुछ फिलहाल पता चल पाया हो कि कैसी स्थिति में है वो? देखिए अब कल तक जो है उनकी बातें हो रही थी, लेकिन कल शाम के बाद से अब परिवार की जो बात है वो उस परिवार से नहीं हो रही, क्योंकि हाँ। उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी बंद आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो भारत सरकार है वो कब तक इन परिवारों के लिए आगे आती है, कब तक वहां से रेस्क्यू किया जाता है। साधना, मैं आपको बता दूं कि जब यूक्रेन युद्ध हुआ था यूक्रेन और रूस का, तो तब भी भारत आगे आया था और स्पेशल विमान लगाकर जो है भारतीयों को वापस वहां से जो है निकाला गया था। उम्मीद अब भी यही है कि भारत सरकार जल्द से जल्द कोई एक्शन लेगी और वहां जो परिवार फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है भारत लाया जाएगा। जी तो राजीव, अब जो परिजन हैं वो क्या अपील कर रहे हैं, सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? देखिए जो परिजन हैं वो जो सरकार है उनसे यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो परिवार वहां पर फंसा हुआ है उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि जब लास्ट टाइम उनकी परिवार से बात हुई जो सूडान में रह रहा है तो उन्होंने बताया था कि वो जैसे घर के बाहर की बात करें तो चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं आसपास में। तो परिवार जो है पूरा भय के माहौल में वहां पर रह रहा है। खाने की बात करें तो उनके पास सिर्फ नमकीन वहां पर बची हुई है, नमकीन के सहारे जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है साधना कि भारत सरकार उनकी कब तक मदद करती है, और खाने की बात करें तो कब तक ऐसे में नमकीन के सहारे वो परिवार कब तक अपना गुजारा कर पाएगा। जी साधना। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है वहां, गोलियां की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, आग धुएं धुआं हो रहा है वहां, सारा आसमान में विस्फोट हो रहे हैं, सड़कों पर लाश बिछी पड़ी है, गोलियां चल रही है बहुत ज्यादा। बस अपने कवर निकालो तुम अपने, बिल्कुल डर का माहौल है, बिल्कुल अंदर बैठे हैं डरे हुए हैं। बच्चे हमारे दोनों तीनों बच्चे हमारे बिल्कुल सहमे हुए हैं। बस किसी तरह भी मोदी से निकालो, हमें मोदी से प्रार्थना करो।